टूटेक्स के अंदर बहुत सारे नए यूजर आते हैं और बहुत सारे डीएम भी आते हैं कि भाई हमने किसी यूट्यूबर का लिंक लेकर के वहां से ज्वाइन किया हमने टूटेक्स और वहां पे हमने डिपॉजिट करा और थोड़ी बहुत हमने वहां पे प्रॉफिट भी जनरेट किया, बट उसके बाद जब हम उसको विड्रॉल लगाने गए हमारा विड्रॉल रिजेक्ट हो गया और वो पैसा कहां गया कहीं भी पता नहीं चला हमको। तो ऐसी करके बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूंगा इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या होता है और कैसे आप टूटेक्स के अंदर भाई अच्छा प्रॉफिटेबल आप जो है तो ट्रेडिंग कर सकते हो, ट्रेडिंग नहीं बोलूंगा बट आप यहाँ पे आप जो है तो ऑब्जर्व करके आप अच्छा खासा इनकम कर सकते हो ऐसा बोल सकता हूं। बाकी अच्छा खासा भी एक लिमिटेड है भाई, ऐसा नहीं है कि आप यहां पे बहुत सारा पैसा कमा सकते हो और बहुत सारा पैसा कमाने के लिए बहुत बड़ा कैपिटल होना चाहिए तब जाकर के आप वहां से इनकम कर सकते हो। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि जब ऐसी सिचुएशन आती है सबसे पहले आपको कस्टमर के आगे पास जाना है, अपना पूरा प्रूफ देखना है, सबसे पहले आपको क्या करना है इनकी आप पॉलिसी जरूर पढ़ लेना, पॉलिसी पढ़ोगे तभी आपको समझ आएगा कि आप क्या चीज वायलेंस कर रहे हो जो आपको नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आप किसी भी कंपनी का अगर आप रूल को आप वहां तो वॉलेट करोगे उसे तोड़ोगे तो भाई वहां पे आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, देन आप ऐसे ही खामियाजा भुगत सकते हो। जैसे कि अभी यहाँ पे एक्यूटेक्स का एक जो है तो रूल है कि भाई जहां से आप डिपॉजिट करते हो जिस अकाउंट से आप उसी अकाउंट से आप विड्रॉल भी करोगे, यानी कि ये तो एक अलग रूल हो गया। एक रूल और अगर बताऊं कि अगर आप INR से डिपॉजिट करते हो तो आप जो है तो USDT में आप विड्रॉल नहीं ले सकते हो, लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं USDT से विड्रॉल मारे और जो है तो भाई जो है तो वहां पे जो पैसा डिपॉजिट करते हैं वो UPI से कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना, आपको एक चीज का मेथड आपको यूज करना है और एक मेथड आपको यूज करके उसके ऊपर आपको काम करना है। यानी अगर एक अगर UPI आपने लिया तो भाई UPI से विड्रॉल लो, UPI से आप जो है तो रिचार्ज करो, दोनों ही एक जगह से करो। अब उसके बाद जो कि प्रॉब्लम आती है भाई बहुत सारे लोगों का कि अकाउंट भी बैन हो जाता है, तो अकाउंट बैन कहां पे आता है भाई पॉलिसी नहीं पढ़ोगे तो यही होगा। पहली प्रॉब्लम यही है कि भाई आप जो है तो यूज अलग अलग चीज करते हो, यानी कि आप UPI और USDT आप किसी भी चीज में आप जो है तो विड्रॉल ले लेते हो या फिर आप जो है तो डिपॉजिट कर देते हो। तो आप ऐसा नहीं करना है, एक चीज कर पड़े रहना है, उसके साथ साथ आपको बहुत सारे मल्टीपल फोन्स पर अपनी IDs को लॉगिन नहीं करना है क्योंकि IP एड्रेस का यहां पे कंफ्यूजन हो जाता है, उसके वजह से भी ये प्रॉब्लम आती है जो कि साफ साफ मेंशन इनके यहां पे पॉलिसी के अंदर। तो आपको ये चीज भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, बाकी ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं आती है जैसी प्रॉब्लम्स बहुत सारे लोग बताते हैं। अब एक और चीज बता दूं, जब बात आती है भाई UPI से अगर आप $1,000 का यहां पे विड्रॉल ले रहे हो तो आपको वहां पे वेट करना है, एक दिन में भी आ सकता है, एक हफ्ते में भी आ सकता है, 24 घंटे में भी आ सकता है, 72 घंटे में भी आ सकता है। तो आपको 7 दिनों तक वेट करना है और वहां पे हाँ एक दो आप मैसेज डाल सकते हो, आप जो है तो कस्टमर केयर में कि हमारा विड्रॉल है क्यों फंसा हुआ, तो वो भी यही बोलेंगे कि आपको 7 दिन तक वेट करना है क्योंकि आपका अमाउंट बड़ा है। उसके साथ साथ मैं आपको एक चीज और बता दूं, अब अगर आपके साथ ऐसा होता कि 5 से 7 दिन हो चुके हैं फिर भी आपका पैसा जो आपको आपके बैंक अकाउंट के अंदर नहीं आया बट क्यूटेक्स के अंदर अभी प्रोसेसिंग दिख रहा है, तो आपको वहां पे क्या करना है, देखो यहां से तो उन लोगों ने क्यूटेक्स वालों ने पैसा भेज दिया बट जो फाइनेंशियल ऑपरेटर होते हैं उनके पास पैसा आकर के स्टेप हो चुका है और वो कैसे आप ले सकते हो ये मैं बताता हूं। आपको उसके लिए क्या करना है, सिंपल आपको आना है कस्टमर सपोर्ट पर, कस्टमर सपोर्ट पर लिखना है कि भाई हमारा पैसा काफी दिन हो चुके हैं बट अभी तक नहीं आया, तो वो लोग एक बार फिर से वहां पे जांच करेंगे भाई क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, फिर उसके बाद वो सेटल हो जाएगा। तो ऐसे करके आप अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हो। बाकी गाइस अगर जो भी प्रॉब्लम आती है कमेंट बॉक्स में लिख दो, उसके लिए अगली वीडियो बना दूंगा।